चांस नहीं है, सरकार को समझना पड़ेगा। जनता ने बनाई थी, जनता ही उखाड़ देगी। तो जो तानाशाही कर रहे हैं लोकतंत्र नहीं है। डेमोक्रेसी में तो जो जनता कहती है सुनना पड़ता है ना, लेकिन यहाँ जो कोई बोल रहा है उसको उठा के जेल घेर दे रहे हैं। आपकी जेलों से नहीं डरते साहब। आपने हमारे 21 लोग मारे, आपने यूपी में हमारे 21 लोग मारे। हम कुर्बानी देने से नहीं डरते, हमारे जज्बे बहुत मजबूत हैं। हम तो जालिम का हौसला देखना चाहते हैं कि जालिम के अंदर कितना हौसला है, और हम साबित करेंगे। हम कुर्बानी हंसते हंसते स्वीकार करेंगे, लेकिन मुल्क को तोड़ने वाले कानून को, जो धार्मिक आधार पर बंटवारा करना चाहता है, उसे हम ना आज स्वीकार करेंगे ना कल स्वीकार करेंगे। इस देश में आंदोलन करना, संघर्ष करना हमारा राइट है, हम उसको जिम्मेदारी निभाएंगे। और आज मैं बाहर आया हूँ, मैं जागरूक करूंगा सब लोगों को। आप देखने आने वाले कल में बहुजन समाज के लोग और पूरे मुल्क के हर समाज के लोग रोड पे होंगे और सरकार को बताएंगे कि काला कानून जल्दी से जल्दी वापस ले लो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। क्योंकि हम न्याय ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, बिल्कुल। और हम तो कुर्बानी में भरोसा रखते हैं। हमें पता है कि अगर बीच को बचा है तो पहले भी कुर्बानी दी गई है। पहले लड़े थे गौरव से, अब लड़ा के चोरों से। ये खून जो है ईमानदार है, वेरी गुड। और सरकार का कोई भी अस्त्र इसे झुका नहीं सकता, कमजोर नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो मेरे सामने जो खड़ी है ना, ये यूथ आइकन है, ये ताकत देती है लड़ने की। हमने ये देखा कि जो चिंगारी जामिया से चली हुई, पूरे देश में चली, चोला बन गई। अब सरकार उस आग का सामना कर, अब ये तो बेहतर सरकार बता सकती है। मैं सरकार का जो सपना सरकार लेके आती है तोड़ देता हूँ। सरकार यहाँ धर्म के मामले में हिंदू मुसलमान का सपना लेके आती है, बंटवारा होगा और मैं उसे खत्म कर देता हूँ, क्योंकि बाबा साहब बंटवारे के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सरकार कितनी निकम्मी है कि इनका खुद तो कुछ है नहीं, बाबा साहब का नाम लेके सारे काम करती है। बिल्कुल। और झूठ फैलाती है, इनके झूठ को बेनकाब करने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। बिल्कुल बेशक। ठीक है, ये हमारा मुल्क है, इसमें अमन चैन है और इसके जैसा कोई और मुल्क नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। इसे बर्बाद करना चाहते हैं। धर्म के आधार पे देश चलेगा तो अधिकार कहाँ से मिलेंगे? बिल्कुल। यहाँ लड़ाई धर्म के लिए, अधिकारों के लिए। और प्रोटेस्ट कौन कर रहे हैं पता है? सब पढ़े लिखे लोग, सब पढ़े लिखे हैं, स्कॉलर्स हैं। ठीक है, वो लड़ रहे हैं जिन्होंने पढ़ा है। स्टूडियो में बैठ के जवाब देने से काम नहीं चलेगा, हम सड़क पे। बिल्कुल। सरकार फाउंडेशन लगाए, न्यायपालिका सुनेगी। बिल्कुल। अगर न्यायपालिका भी तय कर लेगी हमें बंदिशों में डाल, बेड़ियों में डाल के कहा जाए आजाद है तो कैसे चलेगा? जब जेल नहीं रोक पाई तो फिर ये बेड़िया कैसे रोकेगी? उम्मीद है न्यायपालिका हमारी आवाज को सुनेगी। मेरा पेट तो काम से भरता है, आप लोगों को देख के मेरा पेट जो भर गया। आप लोग खाना जरूर खाइएगा, भाइयों ने बनवाया, और आंदोलन जारी रहेगा। बिल्कुल। अगले 10 दिन में हम बताएंगे इस सरकार को आंदोलन की ताकत क्या होती है। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि जो लोग मुझे प्यार करते हैं उनको लिए मेरी बहुत बहुत मंगल कामना है। वो जानती है कि हम घर छोड़ चुके हैं, उसको ये भी बताया कि हम अपनी लड़ाई में परिवार को भी बीच में नहीं आने देते, तो वो हमें कभी ये नहीं कहती घर आ जा। हमारी माँ का एक मैसेज आया था हमारे परिवार की तरफ से, उसने हमें ये नहीं पूछा। ये 19 तारीख की रात में आया, मैंने अपने साथियों को दिखाया, मेरे साथी जानते हैं। मैसेज ये था कि तुम्हारे बुलावे पे दिल्ली में लाखों मुस्लिम भाई आ रहे हैं, किसी एक को भी चोट नहीं लगी, चाहे तुम्हारी जिम्मेदारी। उन्होंने मुझसे नहीं कहा कि तुम अपना ख्याल रखो। बिल्कुल। तो मेरी माँ भी वही सोचती है जो मैं सोचता हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं का तो सोच। मैं चाहता हूँ ऐसे हौसले सब करें भाई, क्योंकि हमारे हौसलों के आगे सरकार को घुटने टेकने पड़े, झुकना पड़ेगा। सही बात। हम जनता है, हमने तो सरकार बनाई है, आज हमसे पूछ रहे तुम कौन। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।